हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवांग भारद्वाज। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारद्वाज में, जिसमें आज की वीडियो में मैं आपको इरिगेशन से इम्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जो कि मैं 10 क्वेश्चंस आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और कई बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को जान सकें। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में और भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 211 से 210 नंबर तक आप पिछली वीडियोज में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 211 है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सिंध नदी, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी हैं। जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो तीन नदियाँ हैं, सिंध नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। टॉपिक नंबर 212 है, सिंध नदी की सहायक नदी। तो सिंध नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं सतलज, रावी, चिनाव, ब्यास तथा झेलम। ये पांच नदियाँ सतलज, रावी, चिनाव, ब्यास तथा झेलम हैं, जो कि सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं। और सिंध नदी का उद्भव स्थान जो कि है वो मानसरोवर तिब्बत में है। 213 नंबर है, गंगा नदी का उद्भव स्थान गंगोत्री उत्तरकाशी में है। टॉपिक नंबर 214, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, कोसी। ये तीन नदियां हैं गंगा नदी की, जो सहायक नदियां बोली जाती हैं। टॉपिक नंबर 215 है हमारा, ब्रह्मपुत्र एशिया की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन हमारा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी बताइए, तो ब्रह्मपुत्र जो है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर है, और भारत में ये 916 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका उद्भव स्थान जो है वो कैलाश रेंज तिब्बत है। टॉपिक नंबर 216 है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, ज़्यादा पूर्व की ओर जो नदियाँ बहने वाली हैं वो हैं कावेरी, गोदावरी, कृष्णा तथा ब्राह्मी। टॉपिक नंबर 217 है, पश्चिम की ओर यानी उल्टी दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं नर्मदा व ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि उल्टी दिशा की तरफ बहती हैं। टॉपिक नंबर 218 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध। तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बांध के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो आपके लिए मैं बताऊँगा। रिहंद डैम, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा बांध है उसका नाम रिहंद डैम है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। इसका जो ऑफिशियली नेम है, इसका ऑफिशियली नेम गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है। इसकी लोकेशन जो है वो सोनभद्र उत्तर प्रदेश पिपरी ग्राम में है। इसका निर्माण वर्ष 1954 में हुआ था। इसका उद्घाटन वर्ष 1962 में। इसकी ऊंचाई 91 मीटर यानी कि 91 मीटर है। इसकी लंबाई जो है वो 934 मीटर है। और रिहंद डैम हमारा सोन नदी तथा रिहंद नदी, इन दो नदियों पर, सोन या रिहंद, इन इस नदी पर बना हुआ है। रिहंद नदी को सोन नदी भी कहते हैं, तो इसी पर बना हुआ है। और इससे जो सिंचित क्षेत्र होता है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये तीन राज्यों का क्षेत्र इससे सिंचित होता है। और इसकी जो क्षमता है वो है 300 मेगावाट की क्षमता वाला ये गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है। यार क्वेश्चन हमारा आ जाता है, रिहंद डैम की या रिहंद बांध की क्षमता बताइए, तो इसकी क्षमता 300 मेगावाट हो जाएगी, या गोविंद वल्लभ पंत सागर की क्षमता बताइए तो वही 300 मेगावाट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 219 है, भारत का जल बजट। ये टॉपिक वाइज है, भारत का जल बजट यानी भारत का जल बजट के बारे में कुछ तथ्य हैं इसमें। समूचे भारत में कुल जल आगमन है 400 मिली हेक्टर मीटर, जो
पूरे भारत में जल का आगमन होता है, यानी हमें जो जल पूरा जल प्राप्त होता है वो 400 मिली हेक्टर मीटर है। अब जिसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से मृदा धारिता जल है 215 मिली हेक्टर मीटर और तुरंत बाष्पीकरण हो जाता है 70 मिली हेक्टर मीटर का तुरंत बाष्पीकरण हो जाता है, और 115 मिली हेक्टर मीटर नदियों एवं नालों में बहता है। अब जो हमारा मृदा धारिता वाला जल है जो कि 215 मिली हेक्टर मीटर है, इसको पुनः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से 165 मिली हेक्टर मीटर जल मृदा में पौधों के उपयोग में आता है तथा 50 मिली हेक्टर मीटर जल भूमिगत जल के रूप में चला जाता है। और जो हमारा 115 मिली हेक्टर मीटर नदियों नालों में बहता है, इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 105 मिली हेक्टर मीटर वर्षा द्वारा हमें प्राप्त होता है और 10 मिली हेक्टर मीटर बर्फ पिघलने से बहता है। कुछ और तथ्य इसके बारे में, मानव उपयोग लायक जल 35 मिली हेक्टर मीटर भूमिगत भूजल एवं 70 मिली हेक्टर मीटर नदियों का जल है, जिसमें 30 मिली हेक्टर मीटर जल उद्योगों के लिए हो जाता है, अतः अधिकतम 75 मिली हेक्टर मीटर जल ही सिंचाई के उपयोग में आ पाता है, जबकि एक शोध के अनुसार वर्तमान कुल सिंचाई क्षमता 94 मिलियन की है। तो दोस्तों, ये का कुछ टॉपिक थे जो इरिगेशन के मैंने आपको बताए थे। बाकी आने वाले समय मैं और भी आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हैं जो कि लगभग 70-80 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिख रखे हैं, 100 क्वेश्चंस हैं जो कि आगे इरिगेशन के, मैं 100 क्वेश्चंस आपको और बताऊंगा। तो मेरी वीडियोज़ के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।